हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थ्री स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थ्री क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो चैप्टर थ्री है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है। तो इस चैप्टर में हमें कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। तो पहले क्या है? सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व क्या है? सिंपल कर्व क्या है? कोई भी कर्व जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व का क्या है? ये दो एग्जांपल हैं, जो दो फिगर है वो सिंपल कर्व है, और इसे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बोलते हैं। क्लोज्ड है ये कर्व। ये आपका क्या है? यदि सिंपल कर्व की बात कर रहे हैं तो सिंपल कर्व आपका, ये भी सिंपल कर्व है लेकिन इट इज ओपन कर्व। लेकिन जब हम क्लोज की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? क्लोज्ड है, कहीं भी ओपन नहीं है। ये कर्व आपका क्या है? क्लोज्ड कर्व है, इसे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। ये भी आपका क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, कहीं भी ओपन नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। यदि ओपन की बात होगी कहीं ना कहीं ये ओपन होगा। उसके बाद हम कर रहे हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन क्या है? एक क्लोज कर्व है विच इज मेड फ्रॉम थ्री और मोर साइड, जो क्या है? तीन, जिसकी तीन और तीन से ज्यादा साइड होती है। लेकिन ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। पॉलीगॉन क्या होना चाहिए? एक क्लोज फिगर है। क्या है? अ क्लोज कर्व या क्लोज फिगर विच हैज थ्री और मोर देन थ्री साइड, जो क्या है? तीन और तीन से ज्यादा साइड है, उसे बोलते हैं पॉलीगॉन। तो ये एक पॉलीगॉन का एग्जांपल है। ये दो एग्जांपल पॉलीगॉन का। ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होता है? पॉलीगॉन है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम है, ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। उसके बाद आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स क्या होगा? सीधी स्ट्रेट लाइन से कॉन्वेक्स बनेगा, जो किससे बनेगा? स्ट्रेट लाइन से, कहीं भी बीच में वो नहीं होगा। और ये क्या है? कॉनकेव है। एक तरह की केव है, ये एक तरह की गुफा है। इसमें एक तरह की ये गुफा है, इसलिए इसे हम कॉनकेव कहते हैं। यदि इसको ज्वाइन करेंगे तो एक तरह का अंदर क्या होगी? डायगोनल बन गई, यानी ये क्या है? डायगोनल टाइप की हो गई, ये तिरछी लाइन हो गई। तो ये क्या है? एक तरह की, यहाँ क्या है? एक तरह की गुफा है, केव है। यहाँ क्या है? एक तरह की केव है, इसलिए इसे कॉनकेव कहते हैं, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। यह सीधा डायरेक्टली सिंपल थ्री स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। थ्री स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। किससे बना है? मेड ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। हाँ, नेक्स्ट टर्म है जो हमें जानना चाहिए, वो क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन? इन ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच साइड एंड ईच एंगल इज इक्वल। अ पॉलीगॉन विच हैज साइड्स इक्वल एंड एंगल्स इक्वल। अ पॉलीगॉन विच हैज ईच साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या है? जिसमें कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, वो इरेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। इरेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड इक्वल नहीं होगी। उसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। यानी क्या है? इन ट्रायंगल में क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी तीन एंगल होंगे। ट्रायंगल है, ट्रायंगल मींस तीन साइड और तीन एंगल। ट्रायंगल, ट्राई और एंगल, तो तीन एंगल है। इसमें क्या होगा? तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का जो डायगोनल फाइंड करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? n(n-3)/2। यदि हमें किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है n(n-3)/2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड।
ठीक। अब हमें क्या करना है, एक सेकंड क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का, हाउ मेनी डायगोनल्स इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती है, चार साइड होंगी, कितनी साइड है, फोर साइड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या करेंगे, डायगोनल क्या करेंगे, डायगोनल कितना होगा, एन की जगह फोर और फोर माइनस थ्री अपॉन टू, तो फोर इंटू वन अपॉन टू, तो टू टू या फोर, तो कितने होंगे, टू डायगोनल होंगे। सिमिलरली अब इसमें हमें फाइंड करना है रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितनी साइड होंगी, नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, हेक्सागोन में सिक्स साइड होती हैं, पेंटागोन में फाइव और हेक्सागोन में सिक्स साइड होंगी। तो हेक्सागोन में क्या करेंगे, फिर रखेंगे, तो डायगोनल कितना होगा, एन की जगह सिक्स और सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू, तो सिक्स इंटू थ्री अपॉन टू, टू थ्री या सिक्स, तो कितना हो जाएगा, कितने होंगे, नाइन डायगोनल होंगे। ट्रायंगल में कितने होंगे, ट्रायंगल में थ्री साइड होती है, कितनी होंगी, तो डायगोनल कितना होगा, ट्रायंगल में तीन साइड होती है, थ्री थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, तो थ्री इंटू जीरो अपॉन टू इक्वल टू जीरो अपॉन टू इक्वल टू जीरो डायगोनल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम डायगोनल किसी भी उसके पॉलीगॉन का फाइंड कर सकते हैं। अब हमको किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ एंगल फाइंड करना है, उस पॉलीगॉन में जितने भी साइड दिए हैं, जितने भी एंगल दिए हैं, उनका सम क्या होगा वो फाइंड करना है, किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n इंटू, यानी सम ऑफ एंगल, इसको हम n इंटू एंगल इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180, ये है, या इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ एंगल, क्या बोल सकते हैं, n इंटू एंगल मतलब है सम ऑफ एंगल क्या होगा, n माइनस टू इंटू 180, ये आपका फॉर्मूला है, इसको भी लिख सकते हैं n इंटू एंगल इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180। तो सम ऑफ एंगल फाइंड करना है। अब इसमें एट साइड दी है, एक पॉलीगॉन है जिसकी साइड कितनी दी है, एट साइड दी है, इस पॉलीगॉन की साइड एट दी है, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ एंगल फाइंड करना है। तो सम ऑफ एंगल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एंगल क्या लगाएंगे, n माइनस टू, तो n कितना दिया है, 8 माइनस टू इंटू 180, तो 8 में से 2 गए, 6 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा, 0, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10, तो इतने डिग्री हो जाएगा, किसमें, जिसकी साइड 8 दी है उसमें जो सम ऑफ एंगल होगा वो कितना होगा, सम ऑफ एंगल कितना होगा, सम ऑफ एंगल इक्वल टू 1080 डिग्री। अब किसी का ये 10 साइड दी है, किसी भी जो पॉलीगॉन है उसमें 10 साइड दी है, तो इसका सम ऑफ एंगल निकालना है, तो सम ऑफ एंगल क्या होगा, सम ऑफ एंगल क्या होगा, 10 माइनस टू इंटू 180, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस टू गए 8 इंटू 180, तो 80 का 0, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, तो इतना डिग्री हो जाएगा, सम ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक, ये दो फिगर दिए हैं हमारे, इसमें एंगल फाइंड करना है, एंगल मेजरमेंट फाइंड करना है, तो यहां ये एंगल फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, और यहां भी ये एंगल एक्स फाइंड करना है, और ये दोनों क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होगा, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360, यहां भी सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 360 होगा। ठीक है,
तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, 360 होता है। अब हमें सम निकालना है इनका, चारों एंगल का सम, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो काट दो, पहला क्या है एक्स, सेकंड क्या है 50, थर्ड एंगल का सम कितना दिया है 130, फोर्थ कितना दिया है एंगल 120, और सम कितना होना चाहिए 360। तो एक्स 0, 2 और 3 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 3 इक्वल टू 360। तो x कितना हो जाएगा 360 माइनस 300, तो x इक्वल टू 60 डिग्री ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें निकालेंगे, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90, तो ये भी कितना होना चाहिए 90। क्यों होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से। सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होगा 180 डिग्री है। कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ये इन इसमें ये कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। या कोई भी एक लाइन है उसका सम कितना होगा, उस पर कितने का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए ये पहले से 90 डिग्री है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये साइन परपेंडिकुलर का साइन है, ये साइन परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर का मतलब है ये 90 डिग्री का है। तो अदर एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें फिर निकालेंगे, तो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 कितना होगा 360 होगा। 9 और 6 15 15 7 220, तो x प्लस 220 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। तो x कितना हो जाएगा 360 माइनस 220, तो x कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो ये x आ गया 140 डिग्री आ गया। इसके ये दोनों एंगल फाइंड करना है, और ये 70 है, हमने बताया था लीनियर पेयर से क्या होगा, सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये क्योंकि 110 और प्लस 70 180 होगा, और ये 60 है, 180 में 60 गए तो ये कितना आएगा 120 आएगा। ठीक, ये 110 हो जाएगा, ये 120, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 120 और प्लस 60 कितना हो गया 180। ऐसे ही 110 प्लस 70 कितना हो गया 180। अब हमें x निकालना है, तो कर दो 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 और प्लस x कितना होगा, ये पेंटागोन है, क्या है पेंटागोन, 1 2 3 4 5 साइड है, तो पेंटागोन में सम ऑफ एंगल क्या आएगा, सम ऑफ एंगल क्या आएगा 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, कितना होगा 540 होगा, पेंटागोन का सम ऑफ एंगल पेंटागोन में 540 होगा। तो सम ऑफ एंगल क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180, तो n कितना दिया है 5 माइनस 2 यानी 3 इंटू 180 यानी 540 हो जाएगा। अब क्या है x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 120 और 110 230 और 230 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 6 ओवर 260 इक्वल टू कितना हो जाएगा 540। अब क्या हो जाएगा 260 इधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0, 14 में 6 गए 8, 4 में 2 गए 2, तो x कितना हो जाएगा 280 अपॉन 2 140, तो एंगल क्या हो जाएगा x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 140 डिग्री। सिमिलरली ये क्या है आपका रेगुलर पेंटागोन है, रेगुलर पेंटागोन है,
रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो रेगुलर पेंटागन है, पांच साइड है इसमें, तो पेंटागन है, तो सम ऑफ ऑल फोर फाइव साइड क्या होगा, 540 होगा। सम ऑफ एंगल क्या होगा, 540 होगा। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 540 होगा। तो 5x कितना होगा, 540। तो x कितना हो जाएगा, 540 अपॉन 5, 5 × 5, 5 × 8 = 40। तो x कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगले उसमें और क्वेश्चन कराएंगे, तो मैं समझता हूँ आपके ये डाउट आपके सबके क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन कराते हैं।